अच्छा जी, हम लोग जो है यहाँ पर थे अपने स्लीप, और देखिए इन इन सब क्वेश्चन से क्या हो जाती है कि आप जो है वो डेवलप करने लग जाते हैं डिप्रेशंस। तो ये मूड्स के स्विंग्स होने से भी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी जब हम एक ये जो हम मैंने जो छोटी सी एक्टिविटी डिज़ाइन की थी जो शेल्टर होम की, तो वहाँ पर जो है वो एक जो बुज़ुर्ग से थे उन्होंने मुझसे एक बात कही कि इंसान की अच्छाई भी उसको जो है वो बुरा बना देती है और बुराई तो बनाती बनाती है। तो बाज़ दफ़ा जैसे अब हम ये अच्छाइयाँ कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि जी मैं शेल्टर होम गई, मैंने लोगों से डिस्कस किया ये किया, तो आप कहेंगे आप बस बुराई कर रही हैं, मिस ये तो सब करते हैं, उसको इतना जताने। अच्छा फ़ौरन जो है वो मैंने कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक ऐसा भी आया कि ये चीज़ें तो छुपा के करनी चाहिए, आप चैरिटी कर रहे हैं या जा रहे हैं शेल्टर में तो आप ही छुपा के कर रहे हैं, किसी को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए ये वाली क्रिटिज़म भी आपके सामने आ रहे होंगे, ये अच्छाई का क्रिटिज़म आया। अब इसमें क्या होगा, आपको भाई है ना, आप या तो आगे बढ़ेंगे या फिर अपने आपको रोक लेंगे, यार लोगों लोग इस तरह से करते हैं, लोग अच्छाई को भी नहीं फैलने देते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अंदर डेवलप होती रहती है। अब बाद में लोग जो है उसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या अब्दुल सत्तार एडी साहब ने जब ये काम शुरू किया तो लोग ये कहते थे हाँ भीख मांग रहा है, अपने लिए कर रहा होगा, कितने लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए होंगे, अपनी जायदादें बना रहे होंगे इन पैसों से, या अपने लिए जो है ना ये चीज़ें कर ली होंगी। तो बहुत सारे लोग जो है वो हर तरीके से, कभी उनके करेक्टर पर क्रिटिसाइज़ किया, कभी उनके स्कैंडल्स बनाए गए, कभी उनके ऊपर ये पैसों का इल्ज़ाम लगाए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अच्छाई के साथ भी आपको भुगतनी पड़ती हैं। तो वही बात है कि इससे भी डिप्रेशन आता है, आपकी अच्छाई भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ये क्रिटिज्म की तरफ लेकर आती है। और बुराई तो है ही बुराई, जैसे आप बुराई आपको नजर आती है कि आप देखें आपको कितना हमारे मुल्क में कितना ये जो है करप्शन हो गई, कितने जो है वो हम इनसफिशेंट होते जा रहे हैं, काम हमारे सही नहीं हो पा रहे हैं, वो इसी वजह से है। जैसे मेरिट पर जो है रिजल्ट नहीं आते हैं, मेरिट पर जॉब नहीं मिल रही होती, मेरिट पर आपको चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन होने लग जाते हैं। तो अच्छाई के जब हमने तो इतनी मेहनत की, अच्छा बात आप जाहिर होते हर कोई मेहनत करता है पेपर के लिए, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन उससे भी जो है वो डिप्रेशन आ रहा होता है कि इतना अच्छा पेपर दिया तो क्या फ़ायदा, जब पेपर अच्छा मेहनत करने का फ़ायदा ही नहीं है जब ना रिजल्ट ही ऐसा आना है, तो फिर वो जो स्टूडेंट्स है उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो डेवलप होने लग जाती हैं कि ज़रूरत ही नहीं है इतनी मेहनत करने की, क्या करेंगे हम मेहनत करके कि ना जब रिजल्ट ही नहीं आना। और ऐसा होता था मेरे साथ भी, ऐसा हुआ कि जब स्पेशली ये जो 9th-10th के एग्जाम्स होते हैं या फर्स्ट या सेकंड ईयर के, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पे होते हैं, हज़ारों की तादाद में हर एक बंदे के पास कॉपीज जा रही होती हैं, तो सही एक्चुअल करेक्शंस नहीं हो रही थी। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी लेवल पे तो ये है कि ना सेमेस्टर वाइज है और स्टूडेंट क्लास वाइज आपके सामने होते हैं, आपको पता है कि 25-30 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, 35-40 स्टूडेंट्स हैं, और हमें पता है कि इतना ही रिजल्ट आना है, इतना ही ये कुछ होना है, तो ये चीज़ जो हमें और ये इतनी रेंज हमें पता भी है कि हमारे स्टूडेंट ये हैं, तो उसमें जो है वो मार्किंग करना या हम रिलैक्सेशन देना या नेगेटिव मार्किंग जो भी है वो करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें अपने बच्चों की जो है वो परफॉर्मेंस पता होती है, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट सेकंड ईयर में बड़ा एक ना ट्रॉमा ये आता है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे काबिल काबिल बच्चे जो है ना उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होते, और जो इतने अच्छे पढ़ने वाले नहीं होते उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे होते, उसी वजह से हो रहा होता है कि वहाँ पर जो है मार्किंग जो है वो अच्छी बेस पर नहीं की जा रही होती, तो ये एक डिप्रेशन होता है। और अक्सर मुझे जो है मैं अपनी पढ़ाई के हवाले से बहुत अच्छी थी, तो मुझे जो है ना अपनी एजुकेशन को लेकर बड़ा जो है ना वो रहता था कि नहीं मैं बहुत पढ़ूँ। अच्छा उसमें जो सैलार वाली बात है ना, ओवर थिंकिंग आने लग जाती है, अच्छा पढ़ने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जैक्यूलेट नहीं हो रहा होता, हजम नहीं हो रहा होता, सही है। ऐसा भी होता है सैलार कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वो क्या चीज़ हो रही होती है कि हम जो जो अच्छा पढ़ना चाहना और जो क्वालिटी पढ़ना होता है वो ख़त्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा पढ़ना वाला मसला जो है ना वो आगे आ जाता है। तो इसलिए जो जितना आपके पास जो है वो ओवर थिंकिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा आगे की तरफ जाए। अब मैं अगर स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि भाई ये वाली बुक ले लें, अब बुक के साथ साथ वो कहेंगे जी मैं उस वाली वेबसाइट पर भी जाए वो दूसरी बुक भी ले लें, तो वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो पहले आप एक बुक या एक स्लाइड से तो काम चलाओ, जब ये इस स्लाइड से इस बुक से काम हो जाएगा फिर नई स्लाइड नई बुक परचेज करना, तो ये भी एक बड़ा जो है मसला है हमारे साथ इन चीज़ों के हवाले से, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है ये फंक्शनिंग स्लीप एंड अराउसल इनसफिशिएंसी डेवलप्स डिप्रेशन, यानी कि ये डिप्रेशन जो है वो कलेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो अब अगर ये मैं किसी एक जो है परफॉर्मेंस को लेकर भी अगर आपसे बात करूँ तो डिप्रेशन जो है वो कैसे क्रिएट होता है, देन यू हैव टू मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर हम एंड्रोफेंस की बात करते हैं तो ये होता है रिड्यूसेस पेन्स और ऑफन कॉल प्लेजर्स केमिकल्स, यानी कि यहाँ इस यहाँ पर ये जो सिस्टम वर्क कर रहा है आपके जितने भी दर्द हैं उनको ख़त्म करता है, चाहे वो बॉडी पेंस हों, फिजिकल पेंस हों, मेंटल जो है वो स्टेबिलिटी का पेन हो,
ये सारे पेन जो है वो, अच्छा अक्सर आपके सर में दर्द हो रहा है, अब जैसे मुझे टेंशन होती है, जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो पीछे मेरी गर्दन में जो है वो दर्द रहता है, बोझ रहता है, तो उसकी वजह से जो है ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि प्लेजर्स केमिकल्स क्या होते हैं, कि वो हमें खुशी हमारे अंदर बॉडी के अंदर वो बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन का एहसास होता है, कहीं हम उसको खुश रहना चाहते हैं, हम कभी तैयार होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो वो आपकी बॉडी आपको बोल रही होती है कि आप करो ये काम ताकि आप फ्रेश हो गए, आपका दिमाग फ्रेश हो गया। जैसे शादियों में जाते हैं, किसी इवेंट्स में चले जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं। अब मेरी भांजी बाहर जो है वो अमेरिका में रहती है 4 साल की है, उसे और कोई इवेंट्स का इतना ज्यादा भी पता नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है माँ, देखिए हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हर इवेंट मनाते हैं तो हमारे बच्चों को पता होता है कि भाई ईद आ गई है, रमजान आ गया है, बकरीद आ गई, क्योंकि हर हर एक का एक त्यौहार पूरा 3-3 दिन तक हम मनाते हैं, और जो है वो उसकी हैसियत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैसियत है, मुहर्रम है, रबीउल अव्वल है, शाबान है, रमजान है, मतलब बड़ी रातें हमारे पास हैं, हर एक की इबादत भी है, और वो हमारे एक अच्छा इवेंट भी बन जाता है जिसमें हम एहतमाम करते हैं, तो वो अल्लाह को राजी करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर वो बचपन से बिल्डअप हो रहा होता है। अब बाहर मुल्कों में जाहिर बात है वहाँ वो माहौल नहीं बना होता, अब जैसे यहाँ पर आप शबे बारात आती है तो पूरा एक माहौल बना हुआ, शाम से लोग जो है वो कब्रिस्तान जा रहे हैं, घर के मर्द और जो है वो घर की औरतें जो है वो इबादत कर रही हैं, जो नियाज नजर करते हैं वो कर रहे होते हैं, या जो भी अल्लाह के नाम का कुछ अच्छा बना रहे हैं, तो अपने अपने गरीब बहन भाइयों को या अपने लोगों को पड़ोसियों तक जो है वो चीज़ें पहुंचा रहे होते हैं। तो ये सब परसेप्शन है, किसी के नज़र में वो नजर व नियाज है, किसी के परसेप्शन में मिल बांट के खाना है, किसी के परसेप्शन में अल्लाह के नाम का देना है, तो ये सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए सदकात खैरात और सब चीज़ें हो रही होती हैं। अब वो किस तरह से कौन किस परसेप्शन के तहत कर रहा होता है, बताने का मकसद ये है कि उस बच्चे को सिर्फ ये पता होता है कि जी वहाँ पर तो उससे बर्थडे सेलिब्रेट ज़्यादा की जाती है, वहाँ बर्थडे का कॉन्सेप्ट बहुत है, यहाँ पर हमारे यहाँ हर बर्थडे इतने ज़्यादा कोई एक आध पहली सालगिरह मना ली बच्चों की, तो उसके बाद ज़्यादा कोई इतना अप्रिशिएट करता नहीं, बाद में ये होता है कि बस क्लास फेलोज हो गए, ये स्कूल कॉलेज लाइफ तक जो है थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर लेते हैं, उसके बाद कोई याद ही नहीं रखता, मैरिज एनिवर्सरी होती है तो वो भी फर्स्ट टाइम हो गई तो उसके बाद कोई याद नहीं रखता, तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप अपने पेन को, अच्छा अब इसमें हम क्या करते हैं, अब तोहमत हम इसलिए लगा देते हैं बर्थडे कर रहे हैं पता नहीं क्या है, अब ये भी एक होता है कि चलो भाई एक इवेंट है, खुशी है, रिड्यूस पेन यानी कि जो तकलीफें हैं परेशानियां उनको खत्म करके हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, तो बर्थडे बनाने से लोग ये कहते हैं साल कम हो रहा है तुम यूं कर रहे हो, तो उसमें भी तोहमात आने लग जाते हैं, लेकिन असल मकसद क्या होता है, खुश रहने का, तो खुशी रहने के लिए कुछ त्यौहार होने जरूरी है, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे इवेंट्स दिए हैं जिनकी हम बड़ी खुशी से सेलिब्रेशन करते हैं, और अल्लाह ताला हमें ये नेमत है, हमें दीनी है, हमारी मेहनतों के सिले में हमारी हमें नेमत दीनी है, तो ठीक है, तो ये केमिकल प्लेजर्स जो होते हैं ये आपको खुश रहने के लिए आपके अंदर बॉडी में ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, कुछ लोग कुछ, अच्छा मेरी एक टीचर थी MBA में, तो वो मतलब उनका फेस फेस हमेशा हंसता मुस्कुराता ही रहता था, और मैं हमेशा ये सोचती यार ये इतनी खुश रहती हैं, मतलब क्या वजह है कि इनके पास तो सब चीज़ें हैं, अच्छा मैं उनको इसलिए एडमायर करती थी कि भाई गाड़ी भी इनके पास है, और अच्छा गुड लुकिंग भी थी, प्यारी सी थी, बच्चे हैं उनके, एजुकेशन है, जॉब है, तो मैं उनको बड़ा एडमायर करती थी कि यार इतनी मतलब एक खातून है और इतना अच्छा खुश रहती हैं, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हैं और वेल ड्रेस होकर आती थी, तो मैं ये कहती यार इनको तो कोई गम नहीं होगा, मैं MBA की जब स्टूडेंट थी करा यूनिवर्सिटी में, तो मेरी वो इकोनॉमिक्स की टीचर थी, अब जब मेरी एक दफ़ा उनसे ऐसी बात, मैंने कहा मैं साहब इतनी खुश रहती हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे, तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपको इस तरह से दिखे, तो ये कहेंगे कि ये बेटा ये खुशी तुम्हें नजर आती है लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे गम हैं, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे ये बात कही कि अकेले हम लोग बैठे हुए थे, ब्रेक था क्लास का ना, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं विडो हूँ यानी कि मैं बेवा हूँ, मेरे एकदम पैरों तले जमीन निकल गई, और काफी सालों से मैं अपने बच्चों को खुद ही जो है वो पाल रही हूँ, लेकिन ये कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप ने मेरे साथ सपोर्ट की, तो उन्होंने मुझे पढ़ाने जो है ये 2 साल मैंने फिर अपना MA इकोनॉमिक्स कम्प्लीट किया, फिर मैंने ये लेक्चरारशिप के लिए ज्वाइन किया, और फिर मैंने ये सारी चीज़ें की, तो ये सारी चीज़ें एक साथ में आ गई, तो फिर मुझे एकदम एहसास हुआ कि देखो हर किसी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, लेकिन हर कोई देखो किस तरह से हंसता है खुश रह रहा है, और अल्लाह की जो अल्लाह ने दे दिया है, जो रास्ता अल्लाह ताला ने दे दिया है वो उसने उस पर जो है वो चली हैं, और वो देखें कैसे अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं, अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रही हैं, अपने बच्चों को तालीम दे रही हैं, खुद भी पढ़ा और फिर कुछ जॉब पे लगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक और जगह मेरी एक खातून से मुलाकात हुई, तो मुझे उस बात से भी इतना दुख हुआ कि
एक छोटी सी मतलब इतनी बड़ी उम्र की लड़की नहीं थी वो, और एक बच्ची है उसकी, और दूसरा ये कि एक डॉक्टर से शादी हुई और डॉक्टर ने फिर 2 साल शादी करके उसको डिवोर्स दे दी। और ये सारी चीजें बताने का मतलब ये बिहेवियर्स हैं, ये कोई मैं किसी की कहानी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इन बिहेवियर से हम क्या सीखते हैं। तो वो जब वो लड़की का स्टेमिना हुआ, उसने डिवोर्स ली क्योंकि वो कहता है कि वो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है काम नहीं करता, 2-2 साल किसी के साथ शादियां करता है, उनको जो है वो बस उनसे जहेज लिया, पैसा लिया और लेकर डिवोर्स दे देती। तो ये देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ, कितने कितने फ्रॉड हैं, कितने मिसबिहेवियर हो जाते हैं, कितने पेन लाइफ में आ जाते हैं, और उन पेन को रिलीज करने के लिए भी अल्लाह ताला कोई ना कोई नेमुल बदल देता है। अल्लाह ताला जिंदगियां खत्म नहीं करता। तो उसमें उस लड़की की मुझे हिम्मत ये नजर आई कि वो आई, एक जगह हम लोग टेस्ट देने गए थे तो वहां पर वो टेस्ट दे रही थी। तो ये उसको ये कोशिश है कि हाँ चलो मेरी अच्छी सी जॉब लग जाएगी तो मैं अपनी बच्ची को पाल लूंगी, यानी कि अगर और आगे कोई रास्ता मिल गया या कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो वो एक अलग बात है, अगर अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा है। तो ये एक चीज है कि इंसान किस तरह से जो है वो आगे बढ़ता है, और पेन्स आते हैं, लेकिन ये जो आपके पास हैप्पीनेस वाले जो केमिकल्स है ना, ये जो प्लेजर्स केमिकल्स हैं, ये इसको रिड्यूस करने लग जाते हैं। तो पेन्स इन टर्म्स ऑफ आपके इमोशनल पेन्स भी होते हैं, फिजिकल पेन्स भी होते हैं, मेंटल पेन्स भी होते हैं, लेकिन हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेज, वो आपने जो है ना जरूर सोचना है। तो ये बड़ी कहानी है। खैर ये तो इसलिए डिस्कस कर रही थी मैम कि आपको ये जो है वो बिहेवियर समझ में आए, ये बिहेवियर्स होते हैं। हर एक का हंसता हुआ चेहरा आपको ये नहीं बता रहा होता कि उसके पीछे कोई दर्द नहीं है, लेकिन वो अपना केमिकल प्लेजर जो रिएक्शन है ना उसको इस्तेमाल कर रहा होता है और अपने पेन को रिड्यूस कर रहा होता है, और वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो बेहतर होती हैं। अच्छा जी डोपामाइन क्या है जी? अफेक्ट्स मूवमेंट, कोऑर्डिनेशंस, इमोशंस, वॉलंटरी जजमेंट एंड रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इमोशनल अटैचमेंट्स मैन एक्सीड डेवलप्स शिजोफ्रेनिया एंड एडिक्शन डिप्रेशन कॉज नॉन सेक्सुअलिटी। अच्छा जी यहाँ पर जो बात बता रही है कि डोपामिन जो है वो क्या कर रहा है, इफेक्ट्स दे रहा है मूवमेंट पे, कोऑर्डिनेशन पे, इमोशंस पे, वॉलेंट्री जजमेंट। अब जैसा वॉलेंट्री जजमेंट थी ना मेरी एक टीचर के हवाले से कि भाई मैंने जजमेंट पास कर दी कि बहुत खुश हैं, मुझे थोड़ी उनके अंदर की कहानी पता है। एक लड़की मुझे मिली तो मुझे क्या पता कि भाई वो टेस्ट देने आई है तो अच्छी खाती पीती होगी, उसको क्या मसला है। तो ये वॉलेंट्री जजमेंट है ना कि हम चेहरा देख के अंदाजा लगा लेते हैं आके भाई ये आई हुई है, काम कर रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अब जब कोई काम कर रहा है जॉब पर भी है लेकिन उसको तकलीफ है, उसके बावजूद भी वो काम कर रहा है इसलिए कि उसने कमाना है, उसने जाना है। अब मेरे साथ अगर कोई भी मसला होगा लेकिन अगर मुझे अपनी क्लास लेनी है तो मुझे हर ऑन टाइम या मैं रिशेड्यूल कर दूँ लेकिन मुझे लेनी तो है ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी तकलीफ है या मेरी बीमारी है और मैं जो हूँ ये काम नहीं कर सकती। तो ये इमोशंस जो होते हैं, यानी कि अब इमोशंस नहीं है कि भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं सैड हूँ तब भी मैं क्लास ले रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ मैं तब भी क्लास ले रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है तब भी मैं क्लास ले रही हूँ। तो ये सारी चीजों के बावजूद और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे अब मैं आप लोगों से ये बात करती हूँ कि अगर देखें एक क्लास को चलाने के लिए हम पूरे एक सेमेस्टर जो है वो चला रहे होते हैं, उस एक सेमेस्टर को चलाने के लिए अगर मेरी और आपकी कोऑर्डिनेशन ना हो, मैं जैसे एक मैसेज कर दूंगी मैं आज क्लास ले रही हूँ, सलार फौरन समझ जाएंगे कि हाँ जी कोई ना कोई वजह इसलिए मिस क्लास ले रही, क्यों? क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि हाँ भाई मिस तो हर हाल में क्लास लेती आई हैं, अगर इस वक्त एकदम इन्होंने मैसेज कर दिया है तो अब वो क्यों और वाई नहीं पूछेगा। उसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि कि मिस बता देंगी या मिस हमें अपनी अपोलोजाइज कर लेंगे या कुछ भी होगा। तो ये चीज़ क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है कि आप कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे अब क्लास की टाइमिंग है तो अगर मिस जवेरिया हैं ये सर अली रजा हैं वो हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं तो हमारी सारी फिजिबिलिटी को देख रहे होते हैं कि अभी किस दिन क्लास लेंगी, किस दिन क्लास नहीं लेंगी, क्या टाइमिंग रखें, कौन सी वाली टाइमिंग आपके लिए सुटेबल है। तो ये कोऑर्डिनेशन तो मैं अच्छा कभी अली रजा सर कहेंगे या मिस जवेरिया कहेंगे कि मिस आज ऐसा नहीं ऐसा कर लिया, मैं कहूँगी चलो अच्छा चलो मैं 9 बजे रख लूँगी कोई मसला नहीं, या फिर मैं कहूँगी मिस आज जो है वो हम 1 बजे रख लें तो वो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करती हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कहलाती है। अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन है तो बहुत स्मूथली वर्किंग कर रहा होता है। तो ये हमारी क्लास में भी अगर मुझे एक पूरा सेमेस्टर चलाना है तो अगर मेरी आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आप मेरी बात को ही नहीं समझ पाओगे, आप हमेशा कंप्लेन करोगे। तो वो जो नॉन कोऑर्डिनेशन होती है ना तो वो आपको फिर जो है वो एडिक्शन कर देती है कि मिस के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है, तो हम जो क्या करते हैं वो क्या हो रही होती है, वॉलंटरी जजमेंट क्या होती है, ये भी एक आपको एडिक्शन की तरफ लेकर जाती है। अच्छा एडिक्शन से क्या मुराद है? ये जो शिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ
हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ना कि शिजोफ्रेनिया के मरीज हैं, ये शिजोफ्रेनिया के मरीज जो हैं मैम, इमेजिनरी चीजें दिखती हैं उसमें शायद। ये भी एक जो है डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है वो डिसऑर्गेनाइज जो है वो ट्रबल होने जाती है, आप लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाते हैं, लैक ऑफ थिंकिंग हो जाता है, ट्रबल विथ थिंकिंग होती है, यानी कि इस तरह की आपकी जो है वो मसले मसाले आ जाते हैं कि आप जो है वो क्रिएट नहीं कर पाते कोई पॉजिटिविटी को, सही है। देखो वॉलंटरी जजमेंट क्या होती है, एडिक्शन तो बिल्कुल आदि हो जाना होता है कि किसी आप किसी जैसे अब मैं ये सोचूं कि जी ना मुझे अब ना डॉक्टर ही कहते हैं कि भाई आप सुकून की दवाई लेंगे, अब सुकून की दवाई के लिए अब आपने कुछ दिन अगर आप बेसकून हैं तो आप उस सुकून की मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अगर अब आपको उसी चीज़ की आदत हो जाएगी तो फिर आप क्या है उसी चीज़ की तरफ लगे रहेंगे। अब जैसे आप कोऑर्डिनेशन, मुझे हमेशा जो है वो पोलाइट बिहेवियर की आदत हो गई है, ये एडिक्शन है ना, कि मुझे पोलाइट बिहेवियर की आदत हो गई तो अब हर कोई मुझसे आराम से ही बात करे, अब अगर कोई मुझसे गुस्से में बात करेगा तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। जैसे एक मेरी कुलीग है तो वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना गुस्से वाले लोग पसंद नहीं है, मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं कैसे सरवाइव करूंगी। तो ये चीज़ें हमें समटाइम्स लग रहा होता है क्योंकि हम उस बिहेवियर के एडिक्टेड हो जाते हैं, हम बिहेवियर्स के भी एडिक्टेड हो जाते हैं, हम मेडिसिन के भी एडिक्टेड हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ वो आराम से बात समझ में आती है, अगर कोई गुस्से से कहेगा तो हम जो है वो डरने लग जाएंगे, हमें घबराहट होने लग जाएगी, अगर कोई हमसे नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो हमें उससे भी घबराहट होने लग जाती है। तो वॉलंटरी जजमेंट अगर अगर कोई आपके कर रहा है तो आप ये कहेंगे नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, जो आपने ऐसे कैसे समझ लिया, तो उससे भी आपको जो है वो एडिक्शन हो जाएगी कि यार मैं तो इतनी अच्छी थी मुझे इन्होंने इतना गलत समझ लिया। तो ये शिजोफ्रेनिया क्या होता है कि लैक ऑफ थिंकिंग हो जाती है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है, और आपके जो है वो ट्रबल शूट होने लग जाते हैं, आप जो है वो पार्टिसिपेटिव नहीं रहते, ठीक है ना। ब्रेन जो है वो डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। तो इसको इसकी डिप्रेशन और ये डेवलप क्या हो रहा होता है, ये वाला डेवलप हो रहा होता है। तो ये कोई यानी कि इमोशनली अटैचमेंट आ जाती है और आप एक्सीड डेवलप कर लेते हैं, तो जो एक्सीड डेवलप हो जाता है तो इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है, यानी कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ चाहती हूँ और मैं अच्छी हूँ और मुझे कोई बुरा ना कहे, तो उसके लिए भी आप जो है वो डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि अब अगर मुझे बार बार हर स्टूडेंट जो है वो ये बात कहेगा कि मिस अच्छी नहीं है, मिस अच्छी नहीं है, तो मेरे अंदर भी वो चेंज आएगा, जरूरी थोड़ी कि मैं टीचर हूँ तो मेरे अंदर चेंज नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, चेंज आता है और बहुत बुरा चेंज आता है, और उससे जो है पूरी पर्सनैलिटी जो है वो हो जाती है, आप किसी के साथ इतना अच्छा कर रहे होते हैं और सामने वाला आपको और बुराइयाँ दे रहा है, आपकी छोटी सी बात से ही जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बदगुमानियाँ डाल देता है, तो ये चीज़ भी जो है वो नुकसान देती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जी सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या है जी, इफेक्ट स्लीप, अराउजल क्या होता है, लिबिडो, एपेटाइट, फूड अग्रेशन, पैन परसेप्शन, कोऑर्डिनेशन, जजमेंट, कैन डेवलप एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये मजीद जो है वो हमें जो है ये भी डेवलप करता है एंजाइटी और डिप्रेशन, और अगर एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, यहाँ पर जब मूड की बात आ रही है तो जाहिर बात है हमने ऊपर मूड को भी डिस्कस कर लिया है, और वही इफेक्ट ऑफ स्लीप होती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपके जो है वो देखें पेन परसेप्शन, पेन परसेप्शन का क्या मतलब है कि सिर्फ आपको सिर्फ दर्द वाले मूवमेंट ज्यादा याद रहते हैं। अच्छा कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी खुशी भी मिल रही होती है या हैप्पीनेस भी मिल रही होती है, लेकिन वो जो है वो इसी चीज के ऊपर रहते हैं और उसकी वजह से वो अपने अच्छे मूवमेंट को भी जो है वो जाया कर देते हैं, तो ये भी जो उससे भी क्या होता है कि ये जो है वो डेवलप होता है। अग्रेशन मैंने आपसे क्या कहा था कि पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव अच्छे काम की अग्रेशन, और नेगेटिव क्या है कि आप जो है वो
बुरे काम की जो है वो अग्रेशन को जो है वो चला रहे हैं। ये ना तो अच्छे काम के लिए अग्रेशन का होता है कि अग्रेसिव वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन का रात मेहनत कर रहे हैं, और आपको पता है कि उससे जो है वो आपकी जाहिर तौर पर ग्रोथ होगी, आपको जो है वो अचीवमेंट्स मिलेंगी, आप जो है वो रैंकिंग पर आ जाएंगे, आपके स्किल्स बढ़ेंगे, स्किल्स बढ़ेंगे, तो वो तो अग्रेशन है। लेकिन जो है वो नेगेटिव अग्रेशन क्या होती है कि मैं क्यों करूँ, मुझे ये काम करके क्या मिलेगा, मुझे इस बिहेवियर से क्या मिलेगा, मैं उसके लिए अच्छी बनूँ, मुझे क्या मिलेगा, इसने कौन सा मेरे साथ अच्छा करना है, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो नेगेटिव अग्रेशन से हो जाती है। तो पैन परसेप्शन होता है वो हमेशा आपको एक ही माहौल में रहने देता है, वो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो कभी भी आपको जो है वो अच्छी खुशी की तरफ नहीं लाने देगा। तो ये लैक ऑफ मोटिवेशन ये भी बड़ी चीज़ हो जाती है कि आप अच्छी मूवमेंट की तरफ नहीं आते, तो उससे क्या हो जाता है, आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो डेवलप होता रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब किसी को आप इतनी भी खुशियाँ दे दें, उनको पैसे भी दे दें, कपड़े भी दे दें, लेकिन वो अपने उस जो दर्द वाले माहौल में उसी में रहते हैं, वो सिर्फ ये सोचते रहे कि अगर जी मैं बीमार हूँ, मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता, अच्छा जी मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तो मैं सही नहीं चल सकता, मेरे साथ सबने बुरा किया है तो मैं ये नहीं कर सकता, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पेन परसेप्शन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन, जजमेंट, अच्छा यहाँ पर भी वही कोऑर्डिनेशन है, जजमेंट, जजमेंट वही कि आपने किसी के बारे में क्या जजमेंट पास करा है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कि आपने मुझे नहीं समझा और आपने मेरे लिए नेगेटिव जजमेंट कर ली, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, और अगर आपने मेरे लिए पॉजिटिव आ रहा है कि मैं इतनी नेगेटिव हूँ, इतनी बुरी हूँ, तब भी आपने मेरे लिए पॉजिटिव रखी है तो भी आपके लिए नुकसानदेह। तो ये दोनों चीज़ों के जजमेंट होना बहुत ज़रूरी, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पर्सनैलिटी को जज करना, कि पर्सनैलिटी है कैसी, पर्सनैलिटी डिटरमाइन क्या करती है, तो ये आपको जो है वो सोचना है कि किस तरह से जो है पर्सनैलिटी डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, आज का डेट 31 है, ईद को 31 है, बार को क्या तो देखिए वक्त कैसे जो है वो गुजर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो किसी तरह भी जो है वो जो है वो अवेल नहीं हो पा रही है, तो जो है बिल्कुल याद रखें, जहन में रखें कैसे करना है, किस तरह से करना है, लाइफ जो है वो इतनी इजी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, तो दुनिया जो है खसारे की ही जगह है, तो ये दुनिया खसारे की जगह है बेटा, हर वक्त जो है इंसान जो है वो तकलीफ में है, परेशानी में है, कोई भी खुश नहीं है अपनी लाइफ से, लेकिन क्या है जो अल्लाह ताला ने दिया है हमें खुश रहना है, शुक्र अदा करना है, जो मिला है बेहतर है, जो नहीं मिला उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई नसीहत है, तो हमेशा इस चीज़ पे जो है वो राजी रहें तो ज़िंदगी जो है वो बेहतर गुजरेगी। सिर्फ मेरे भाई की ही नहीं, मेरी भी जान की बात है। मेरा तो मानना ये है।
हमेशा सबके साथ अच्छा करें तो इंशाल्लाह आप किसी के साथ भी बुरा नहीं होता और ना होगा। आपकी अच्छाइयाँ जो है वो याद की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं किया जाता या अप्रिसिएशन नहीं मिलती, ये जिंदगी का हिस्सा है। तो ये जो है ये एडिक्शंस या आपका जो भी मैटर है, ये देखें पेन जो है वो चीज़ें, अच्छा जी हिस्टामिन की हम बात कर रहे हैं तो ये वाला जो रोल होता है ये नॉट वेल अंडरस्टैंड, क्योंकि इन्वॉल्व इन द इम्यून एलर्जी एंड इंफ्लेमेटरी बॉडी रिस्पॉन्सेज, यानी ये तो अब आपके जो है वो बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है कि इम्यून सिस्टम हर हर बॉडी का जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कोई ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है मेडिसन्स को, पेन को। आपकी विल पावर क्या होती है, आपको एलर्जीज होती हैं, खाने पीने के हवाले से भी एलर्जीज होती हैं, सोच के हवाले से भी एलर्जीज होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ खाने पीने की एलर्जी होती है, आपको जो है वो थिंकिंग की भी एलर्जी होती है, आपको ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेमेटरी, यानी कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्सेज होती है, ये इम्यून और एलर्जीज का जो है बॉडी से रिएक्शन होता है कि अगर आपने कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा कोई खाना खा लिया जिससे आपको रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई फ्रिज के ऊपर जो है वो मिल्क नहीं पीते हैं, कुछ लोग होते हैं कि लेट नाइट तरबूज नहीं खा सकते, यानी वैसे ही तरबूज नहीं खा सकते कि वो जो है वो एलर्जी कर देते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है कोई हैवी मेडिसिन बर्दाश्त नहीं करता, आप नॉर्मल मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये हिस्टामिन जो है वो ये जो है वो इसलिए रोल वेल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि हर बॉडी की जो परसेप्शंस हैं या हर बॉडी का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। अच्छा जी एड्रेनलाइन क्या होती है, रेजेज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेजेज एनर्जी, मैक्स एंग्री एंड कॉम्पिटेटिव, फाइट और फाइट हार्मोन्स, यानी कि यहाँ पर जो है वो फाइटिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फाइट हो रही है अपने हार्मोन से, यानी कि आपका जो है वो, अच्छा ये भी 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा तो दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है जी, रेजेज हार्ट रेट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा होता है, रेजेज एनर्जी, मैक्स एंग्री एंड कॉम्पिटेटिव, यानी कि देखें एक बात याद रखिएगा, जब ब्लड प्रेशर हो रहा होता है तो पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि जब ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा होता है, हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है तो उसे जो है बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हम समझ रहे होते हैं। अच्छा अक्सर जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें ये रेशो ज़्यादा होता है, जवानों में भी होता है लेकिन उनको भी गुस्सा आता है तो बार बार चीख रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं। जैसे मेरी बहनों में भी बड़ी बहनें हैं तो उनका अगर कभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है तो उनको गुस्सा बहुत आ रहा होता है, पूरा चेहरा जो है वो लाल हो रहा होता है, ठीक है ना। तो उनको ये हो रहा था कि बस है ना कोई बात नहीं बर्दाश्त हो रही, या उसको अगर उनसे कोई बात करे तो वो डांटने लग जाती है, गुस्सा करने लग जाती है। तो उससे देखिए ये इसका मतलब ये कि इसका ये होता तो देखो फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से है ना आपकी प्रॉब्लम, लेकिन कैसे बिहेवियर में आ रहा है, कैसे बिहेवियर से रिकग्नाइज हो रहा है, एक ज़रा सा आपके सर में दर्द होता है या आपके जिस्म में दर्द हो रहा है तो आपको बुखार हो रहा था तो आपको मजाक मस्ती या कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही थी, यानी कि एक फिजिकली पेन की वजह से आपका बिहेवियरल बिहेवियरल जो है काम जो है वो कितना ख़राब हो रहा होता है, आपको बिहेवियरली जो है वो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, ये भी चीज़ जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इसके ब्लड प्रेशर की रेजेस से आपकी जो है वो एंग्रीनेस और जो है वो चीज़ें होती हैं। अच्छा रेजेस एनर्जी, अगर आपके पास एनर्जी, अब मैं आज एनर्जाइज हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को मैंने मेंटेन कर लिया है तो अब मैं हर तरह का कंपटीशन लेने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ की कंपटीशन के लिए तैयार हूँ कि क्या चीज़। देखिए मैं अगर एनर्जेटिक हूँ, मैं अगर डल होंगी सुस्त होंगी तो मैं हर चीज़ से घबराऊंगी, मैं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, मैं किसी से बात ज़्यादा नहीं करूँगी, और अगर मैं एनर्जेटिक होंगी तो दैट वाला मैं बोलूंगी भी, बातचीत भी करूंगी, रिलेशनशिप भी मेंटेन करूंगी और हर तरह की कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लूंगी और जितने भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आ रहा है तो मैं उसको भी फेस करूंगी। अब अगर जैसे एक अब हम जैसे 10 कुलीग साथ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है मेरी एनर्जी होगी तो मैं उन 10 कुलीग्स को भी मीट कर पाऊंगी, उनके साथ रह सकूंगी, उनकी लेवल को भी मीट कर पाऊंगी। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि कैसे आप जो है वो चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। देखें ये एनर्जी इसलिए नहीं आती है कि आपने सिर्फ जो है मोटा हो जाना है या हेल्दी हो जाना है, ये एनर्जी इसलिए भी है कि आप जो है कॉन्फिडेंट होते हैं, आप जो है वो कॉम्पिटेटिव होते हैं, आप लोगों के साथ फाइट कर सकते हैं, फाइट इन टर्म्स ऑफ
ये नहीं कि हम किसी को मार धाड़ कर रहे हैं, ये एनर्जी एनर्जी जो है वो इस तरह से डेवलप नहीं होती है। एनर्जी के लिए जो है वो माइंड आपका एनर्जाइजिंग होना चाहिए, आपकी जो है फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप मजबूत हैं तो आपका ये दिल दिमाग भी मजबूत होगा और वो हर तरह की परेशानी को, हर तरह की खुशी को, हर तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, ऑक्सीटोसिन क्या है? इट इज रिलेटिव रिलीज थ्रू ऑर्गेजम, कुडिंग, चाइल्ड बर्थ एंड थर्स, ऑफन टर्म्ड एज द लव हार्मोन्स। यानी कि यहाँ पर जो है आपके सारा जो है वो पूरा आपकी जो मैरिटल लाइफ है उससे डिपेंडेंट है ये वाला जो है वो ऑक्सीटोसिन। यानी कि ये जितना भी आपका जो है वो जितनी भी पैदाइश होती है वो आपके सिस्टम, आपके जो है जो पूरा मैरिटल सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ जो है वो डिस्क्लोज होता है। देन आपके अंदर ये जो है ट्रस्ट बिल्डअप होता है और उसके ऊपर जो है ये लव हार्मोन जो है वो डेवलप होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हर उम्र के स्टेज पर होगा, जी नहीं। ये जब आपकी कोई ना कोई अगर आपके ऑपोजिट सेक्स से आपकी अटैचमेंट होती है उसके बाद चीज़ें जो है डेवलप होने लग जाती है। जैसे शादी निकाह होता है उसके बाद जो है जाहिर बात है ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं ताकि जो है वो बच्चे की पैदाइश होती है और उसके लिए जो है ये एक आपकी रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर बात करते हैं जी कॉर्टिजोल। ये क्या करता है? ये वो सेल्स हैं जो हिप्पोकैम्पस है और ये लीड करता है प्री मेच्योर ब्रेन को, अगेन ऑफन कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन। यानी कि आपका ये जो हिपोथैलेमस जो हमने पहले पढ़ा था कि वो हमें क्या काम करता है, जरा हम उसको दोबारा देख लेते हैं। हिपोथैलेमस जो है वो हमारी जो खाने की, सोने की, यानी कि पूरी जो बेसिक हमारा जो ये है हिपोकामस, ये क्या है, ये हमारा पूरा जो पूरी मोटर काम का काम जो है वो ये करे। यानी कि हमारी अग्रेशन को, हमारी सेक्सुअल मोटिवेशन को, हमारी मेमोरीज को इसको स्टोर करता है, उसकी फीलिंग्स को जो है वो रिलीज करता है। तो ये सारे काम जो है वो ये कर रहा है। तो इसको लेने के लिए फिर आप क्या कर रहे होते हैं कि आप प्री मेच्योर जो है वो ब्रेन्स जो है उसकी तरफ जा रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है, ये प्री मेच्योर जो है वो काम कर रहा है कि आपकी जो है वो जो आपने प्लानिंग कर ली है तो उसके ऊपर ये फीचर जो है वो प्री प्री डिसाइड करता है। प्री फ्रॉन्टल जो होता है वो प्री पहले से डिसाइड कर लेता है। तो ये आपके जो खलियात हैं उनको उनको जो है वो डेवलप कर रहा है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं यानी कि ये प्री मेच्योर ब्रेन एजिंग जो होती है। और यानी कि आप जैसे बताए वो जो मेमोरीज अगर आपकी लॉस्ट हो रही हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, जो है दैट्स व्हाट इट। देखिए बॉडी के अंदर हर चीज़ की टूट फूट हो रही है, सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली, तो इससे स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, खाना पीना आपको नहीं मिलेगा, आपकी फीलिंग्स नहीं सामने आएंगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वो एक स्ट्रेस हार्मोन ही डेवलप करेगा और वो हर वक्त आप पे हावी रहेगा। तो ये इस चीज़ को तो बिल्कुल ही भी लाइट ना लें। ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपको आपकी वो खुशी ना मिले, आपको वो जो है वो सेटिस्फेक्शन ना मिले, चाहे वो सेक्सुअली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, आपकी जैसे भूख है, आपकी मेमोरीज हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी इमोशंस हैं, आपकी अग्रेशंस हैं, वो फुलफिल नहीं होती हैं, वो डिजायर्स, सेक्सुअल मोटिवेशंस हैं, वो अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये स्ट्रेस आ जाता है और ये स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ चले जाता है। इसको हम बड़ा आसान ले लेते हैं, हमारे यहाँ जैसे बड़े बूढ़े जो है वो उस चीज़ को अहमियत नहीं देते और ना पहले कभी इन चीज़ों को अहमियत दी जाती थी। तो लोग पागल भी होते थे, डिप्रेसिव भी होते थे, रिलेशनशिप मेंटेन होती थी, अक्सर जो है वो मैरिटल लाइफ जो है वो इतनी अच्छी ऑर्डर्स में नहीं आ रही होती थी क्योंकि हम आंगी नहीं होती थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, लेकिन लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर जो है गुजार लिया करते थे और जो है वो बिल्कुल बच्चे भी पैदा होते थे। लेकिन यही होता था कि आगे बस गुजारा कर लिया, हम आंगी हो गई, हमारी पर्सनल जो है वो पसंद की जो है शादी नहीं हुई, हमें हमारा लाइफ पार्टनर हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं मिला। तो वो एक जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसको आप कैसे जो करते हैं। तो ये एक स्ट्रेस आपके हर वक्त आपके जहन पर जो है वो सवार रहता है। अच्छा जी, अब हम ये टेस्टो स्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि ये टेस्टो जो स्टीरोन एंड जो है वो एस्ट्रोजिन कॉजेस क्या आता है, ये सेक्स हार्मोन्स है। राजपथ है, देखें मर्द हो या औरत हो, जब बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, सेक्सुअल जो है चेंजेस आती हैं, मैरिटल लाइफ में जब डेवलप होते हैं तो चेंजिंग्स आती हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, बुजुर्गी की तरफ जाते हैं तो चेंजिंग्स आती हैं। तो
तो सेक्सुअल चेंजिंग जो है वो हर हाल में जो है वो आ रही होती है। तो ये कॉजेज जो है यानी कि ये वाले जो सिस्टम है ये इसको कॉज कर रहा होता है, इसकी वजह से जो है ये डेवलप हो रहे होते हैं। यानी कि ये सारे सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई आसान बात नहीं है, इसको आप जो है वो कोई मजाक में ना लें। इन सब का इफेक्ट आपकी बॉडी में, आपके मेंटल इफेक्शंस में आता है और ये बड़ी आसानी से आपको समझाया जा रहा है। इसमें आप जो है वो अपने मेंटल स्टेटस को चेक कर सकते हैं और अपने आप को मेनटेन कर सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें अपने आप को कैसे डेवलप करना है। तो ये समझना कि आपके पास ये जो थ्योरी है ये जो है ना एक ब्लेसिंग आपके पास आ गई है कि आप उससे अपने आप को समझना और अपने ब्रेन के सिस्टम को समझना कि किस तरह से ये साइकोफार्माकोलॉजी जो है वो यानी कि आपका जो न्यूट्रो ट्रांसमीटर जो है वो कहाँ कहाँ वर्कआउट कर रहा है, यानी कि इनहिबिटरी भी है, एक्सिबिटरी भी है, ये क्या करता है, ये आपके क्रिएट्स करता है आपके बैलेंस को। ठीक है, अच्छा जी, अभी मेरे ख्याल से 1 मिनट रह गया और दोबारा जो है इसका आप फॉरन ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी, ये लेस देन 1 मिनट लगे। तो यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है इनसे डिप्रेशन भी आ रही है, इमोशंस भी रिलीज हो रहे हैं, एनजाइटी भी हो रही है, रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं, हारमोन्स फाइट्स भी हो रही हैं, लव हारमोन्स भी हैं, स्ट्रेस हारमोन्स भी हैं, सेक्स हारमोन्स भी हैं, यानी कि हर एक का जो है वो इफेक्शंस आ रहा। तो इस इफेक्शंस को समझना